मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए और उन्नति के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर प्रयास करूंगी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा और एक विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने कराना लोकसभा सीट से मृगांका सिंह को और नूरपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अवनी सिंह को मैदान में उतारा है। हुकुम सिंह की बीमारी और लोकेंद्र सिंह की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से दोनों सीटें खाली पड़ी हैं। इन सीटों पर आगामी 28 मई को चुनाव होने हैं। बीजेपी उम्मीदवार के रूप में कराना के पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह और नूरपुर के पूर्व विधायक लोकेंद्र सिंह की पत्नी अवनी सिंह को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को कराना से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया था। उन्हें SP प्रत्याशी नाहिद हसन ने चुनाव में मात दे दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने पूर्व सांसद और पूर्व विधायक के परिजनों को चुनावी मैदान में उतारा है ताकि सहानुभूति वोट पाकर जीत दर्ज की जा सके। गोरखपुर और फूलपुर में लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी कराना चुनाव जीतना चाहेगी, वहीं विपक्ष किसी भी हालत में ये सीट जीतने की कोशिश करेगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला TV, कराना।